हेलो डियर फ्रेंड्स, द क्रिएटिव टीचर चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ गांव में और अभी दिन के बजे हैं 2-3 बजे हैं और मैं आज एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक लो कॉस्ट पॉली हाउस, क्योंकि जो आज के टाइम पे पॉली हाउस है काफ़ी बेनिफिशियल है, खास करके एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने एक पॉली ले रखी है जो मार्केट आराम से मिल जाती है, 200 रुपये की पॉली मिली है और मैं इसको ये देखिए अगर दिख पा रहा हूँ, हाँ तो ये मैंने एक पॉली ली है और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ये पॉली ली है और इसको मैंने फिट किया गया है रेलिंग पे ये वायर की सहायता से। तो फ्रेंड, इसको बनाने के लिए मैंने एक ये सिंपल से एक ये पॉली ली है, इस तरह से ये बहुत काफ़ी मोटी पॉली हाउस है, पॉलीथीन है, और इसको मैंने इस तरह से ये जो वायर होता है जिसको हम छत वगैरह बांधते हैं, तो ये वायर से मैंने इसको इस तरह से सील कर दिया है। एक इस वाले रिंग बांध दिया है, दूसरी इस वाले रिंग पर बांध दिया है और तीसरा एक यहाँ बांध दिया है। इस तरह से मुझे हमारे पास एक ये इस तरह से एल शेप का छत था और मैंने इसके ऊपर ये एक पाइप लगा दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कोई रोप या वायर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि कम से कम खर्च में और ज्यादा से ज्यादा और क्रिएटिव चीजें करना। तो मैं आज काम कर रहा हूँ पॉली हाउस पे। इस पॉली हाउस का बजट बमुश्किल से ये 200 रुपया है, क्योंकि मुझे ये 1 किलो पॉलीथीन ये मुझे 200 रुपये की मिली थी। तो हमने इसको दोनों तरफ से यहां से भी और वहां से भी फिट कर दिया और एकदम ये टाइट हो गया है, देखिए अब। और यहां पे यहां से सन निकलता है और यहां ये सामने से सन निकलता है, ईस्ट है और यहां से ये वेस्ट है। तो हमारे पॉली हाउस पे कम से कम 8 या 10 घंटे की प्रॉपर सनलाइट मिल जाएगी। और चलिए पहले हम इस पर काम करते हैं, सफाई करता हूँ। ये मैंने अब कुछ प्लांट्स वगैरह रखे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये सीडलिंग ट्रे है इनको हटाना होगा। अगला काम है मैं इसको
साइड से सील करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये इस तरह से हमारा ये सन है और हमें प्रॉपर सनलाइट मिलती है। एक बार हम सेट कर लेते हैं अपने कैमरे को और हम इसको थोड़ा सा बाहर ले लेंगे। ये बंद करके एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसके अंदर हमने पौधों को रखा हुआ है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। और आप ये देखिए कितनी सारी ये जो मॉइस्चर है, ये नमी है जिसके अंदर ये जमा हो रही है। देखिए आप, अगर आपको दिख पा रहा होगा मोबाइल में, तो ये पूरी की पूरी मॉइस्चर इस पे स्टोर हो रखी है। एक चक्कर अब देखते हैं हम, और इसको हम यहां से ये सील करते हैं इस तरह से। यहां से इसको निकाल दिया और एक ये यहां से, और ये हमारा पॉली हाउस खुल गया है। और ये रखे हमने पॉली हाउस के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स, ये इस तरह से ये पॉली हाउस हमारा एकदम रेडी है। और ये देखिए आप रिजल्ट इसका कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। ये मैंने एक हफ्ते में, चार पांच दिन पहले मैंने इस मैरीगोल्ड के सीड डाले थे, और ये देखिए छोटे छोटे सीड्स सीडलिंग्स में निकल के आ रही हैं। और इसके नीचे बहुत सारी है, मैंने इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी डाली थी ऊपर से। और ये देखिए इसकी भी हरियाली, देखिए प्लांट से बहुत हेल्दी है और ये जर्मिनेट हो चुका है। और बाकी से और भी यहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से है। और कुछ हमारे प्लांट्स यहाँ भी हैं जिनको हमने रखा हुआ है पॉली हाउस में। ये देखिए, ओह माय गॉड, इसकी हेल्थ, इस प्लांट की हेल्थ को देखकर पता आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना काम कर रहा है। ये देखिए आप, जो ये तुलसी है ये इसका प्लांट है, और ये बहुत अच्छा।